ते विद्वत भोग्य भोग्य भवती सती सार्वजनिक कृते हे करता आसन अतः ते सर्व क्षेत्रीय प्रतिभा आसन यथा ते सर्व क्षेत्रीय प्रतिभा आसन तद रीत्य पुनः ते द्वितीय रत्नधर सर्वग्राह्य प्रतिभा आसन सर्वग्राह्य तेषां केनापि सह द्वैर विरोध न अभूत एतत् कारणेन तेई सह भी कस्यापि विरोध न विद्यते ते युक्तम आद्य धर्मव्रतस्थान विरोध उपशम खलु आद्य धर्मव्रतस्थान विरोध उपशम खलु तेषां दिवंगते सती पंचाशत वर्ष पश्चात एक प्रसिद्ध सोमभट्टाचार्य पुरोहितेन उक्त वेदोष्य मिगुताश्रयम श्रीतवती श्री हेमचंद्रे दिवम इतर संप्रदाय से अभी विद्वज्जन तेषां प्रतिभा एतावत् उच्च मूल्यांकन कृत अद्यवासरे विद्वत् विधिवत् विद्वित् क्षेत्रीय विद्वज्जन सभर एतादृश अधिवेशन मम तथा युष्माकं नयनोत्सवाय भवति स यशोपि हेमचंद्राय गच्छति एकेन हेतुना ते सर्वग्राह्य अभूत ते सर्वसमायक आसन जैनतर दर्शन से प्रभु महावेद प्रभु महादेव भवती सती महादेव स्तोत्र द्वारा तस्य स्तवना अकरोत् एतया वार्तया तेन पक्षपाति न पक्षपातित्वेन व्यक्तित्वेन आसन अपि तु सर्वत्र सर्वथा अत्र सर्वसमायक आसन एतत् कारणेन ते सर्वक्षेत्रीय आसन सर्वग्राह्य आसन अतः एव राजनीतौ अपि राजा कुमारपाल तथा राजा सिद्धराज जैसी तेषां उपासक आसन मात्र गुर्जरस्य नहीं अपि तु एक रीत्या गुर्जर पंचकोटि जन मात्रस्य ते उपकारक आसन एक रीत्या मात्र गुर्जरस्य नहीं अपि तु संपूर्ण भारत देशस्य उपकारक आसन यदि ते गुर्जर भाषाया आद्य सर्जक न अभविष्यत् तर्हि एतत् गुर्जर राज्यस्य एकोपि गुर्जर न अभविष्यत् तस्मिन् काले तेषां प्रेरणया मात्र कुमारपाल एव न भारतदेशे उपरि राज्य कर्तुं समर्थ अपि तु अद्यदिनेपि गुर्जरभूमे गौरव पीएम नरेन्द्र मोदी भारतवर्षस्य राजसिंहासन उपरि राजते तेषां यशोपि गुर्जरभाषे आद्य सर्जक हेमचन्द्राचार्याय गच्छति एतद्रीत्या सर्वक्षेत्रीय सर्वग्राह्य सर्वकालीन प्रतिभा हेमचन्द्राचार्य आसन् अहं तत्सम भविष्यकाले अपि भविष्यकाले अपि न भवेयं परन्तु समर्थ परंतु तत्चरण रज भवेम इति मंगल मनीषा सह वधु काल करते न गुरु काल करते न किम कर्पूर भांडे कोण लवणम मिनस नाम विनस्यते इति प्रिया समापन करो साधु साधु साधु